पैसा रिफंड को लेकर सहारा इंडिया की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ये खबर सहारा इन्वेस्टर्स के लिए काफी खुशखबरी भरा होने वाला है। सहारा ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें वह बताया है कि 25 मई से लोगों के पैसे का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। पैसे के रिफंड में इतनी ज्यादा देरी क्यों लग रही है, इसके बारे में भी सहारा ने बताया। ऐसे में इस पोस्ट में आइए हम सब जानते हैं कि आखिर सहारा इंडिया से पेमेंट रिफंड लेने के लिए क्या प्रोसेस हमें अपनाना होगा। सहारा के पैसे रिफंड में देरी का क्या सबसे प्रमुख कारण है? क्या सहारा हमारे पैसे को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेजेगा या फिर कैश के रूप में हमें देगा? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस पोस्ट में मिलने वाले हैं। सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड हेतु लोगों के बीच में काफी ज्यादा इंतजार और आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में यदि आप भी सहारा इंडिया इन्वेस्टर है तो अपने पैसे के रिफंड हेतु आप भी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन सहारा कंपनी ने ये दिलासा दिलाया है कि आप लोगों को इंतजार नहीं करना होगा और उनके सारे पैसे सूद समेत वापस कर दिए जाएंगे। जानकारी को अपडेट करते हुए सहारा ने ये भी बताया कि अब आपको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। बस आपके जमा किए गए राशि के बॉन्ड पेपर से आपको जस्टिफाई किया जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट तक एक सप्ताह के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि सहारा में जमा पैसे की बॉन्ड को आप एक जगह इकट्ठा कर ले और सारे एक कागजात को भी सही से संभाल कर रख ले। सहारा अगले सप्ताह से ही पेमेंट करने जा रही है और ऐसे में यदि आपका बॉन्ड पेपर है आपके पास नहीं होगा तो पेमेंट में देरी हो सकती है। छुट्टी खोलते हुए सहारा ने ये भी बताया कि 5,000 करोड़ रुपए प्रथम फेज के दौरान लोगों के पैसे वापस करने हैं। ऐसे में हमारे पास बहुत लंबा सा ग्राहकों का डेटाबेस है और एक साथ उसके लिए रोड मैप तैयार करना हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण काम है। हालांकि पेमेंट रिफंड को लेकर सहारा ने अपने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं और रोड मैप भी पूरी तरीके से लगभग तैयार कर लिया गया है। किस प्रकार से लोगों का पैसा बटेगा, कौन से जिले में सबसे प्रथम पैसा बटेगा और किन इन्वेस्टर्स का पैसा पहले बटेगा, इन सब के बारे में भी डिसीजन लिया जा चुका है।